बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आज आपको कुछ ऐसे ट्रिक दूंगा जिसके ज़रिए आप लोग अपनी फेसबुक आईडी का नाम 60 डेज से पहले चेंज कर सकते हो। इस टॉपिक पर मैंने दो वीडियो पहले ही बना चुका हूँ कि पहली वीडियो मैंने ये बताई थी कि आप लोग किस तरीके से चेंज कर सकते हो, और सेकंड वीडियो में मैंने दूसरे दिन उसका प्रूफ दिया था कि मेरा नाम चेंज हुआ है या नहीं हुआ। मैं आपको लेके चलता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ मैं कौन सी वीडियो है वो। आप लोग ये देख सकते हैं, ये मैंने ट्रिक बताई थी और ये मैंने इसका प्रूफ दे दिया था। तो अगर आप लोग चाहते हो कि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ और मिलती रहें, ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ मिलती रहें, तो आपने सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, और बराबर में आप देखेंगे कि एक बेल आइकन शो हो रहा होगा आपको, आपने वो भी प्रेस कर लेना। चलते हैं वीडियो की जानिब। आज मैं सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, सेकंड टॉपिक है इस वीडियो के ऊपर। आपने पहले फेसबुक में आना है और इसकी सेटिंग जहाँ पर आप नेम चेंज करते हैं वहाँ पर आ जाना है। आपने इसके बाद यहाँ पर नेम वाले ऑप्शन आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा नाम अभी चेंज होगा या नहीं होगा। आप ये पढ़ सकते हो कि मेरा नाम जो है वो 60 डेज से पहले, 4 जनवरी को मैंने अभी चेंज करा लास्ट नेम, तो ये 60 डेज से पहले मेरा अकाउंट जो है वो नेम चेंज नहीं होगा। अब मैं इस अकाउंट का नाम कैसे चेंज करूँगा, आपने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे आपको दिख रहा है ऊपर अदर नेम पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का शो हो जाएगा। आपने जो आईडी का नाम रखना है, जैसे मैंने नाम रखना है, मैंने कुछ भी नाम रख लेना है, जैसे मैंने ये नाम रखना है, ये नाम रखना है मेरे को अपनी आईडी का, जो नेक्स्ट नेम होगा ये नाम रखना है। उसके अलावा शो ए टॉप प्रोफाइल पर आपने ज़रूर क्लिक करना है, और याद रहे कि यहाँ पे निकनेम ही रहने देना है। आप लोग क्या करते होगे, ये क्लिक करते होगे और ये बहुत सारे इधर आ जाते हैं, आपने सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है निकनेम का, इस पर आपने क्लिक कर देना है, और फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा सेव वाला ऑप्शन, इस पर सेव पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका हो गया सेव अकाउंट, ये हो गया आपका सेव नेम। तो अभी अपन चलते हैं अकाउंट की जानिब। आप लोग यहाँ पे ये देख सकते हो, ये आपने हो गया है यहाँ पे सेव। आपने थोड़ा सा इसको नीचे कर लेना है, इसको भी थोड़ा नीचे। आपने क्या करना है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना अपनी आईडी का, ऐसे इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आपने क्या करना है, वापसी, अब आपने वापसी 3 लाइन पर क्लिक करना है। मैं आपको दिखाता हूँ फुल, आपको प्रूफ भी दूंगा इनका इंशाल्लाह इसका कल। फिर सेटिंग वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है, और सबसे ऊपर वाला ऑप्शन आपको ये दिखाई दे रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो ये दिख रहा है ऊपर अहमद, इस पर आपने नेम पर क्लिक करना है। और अब आपने सबसे मेन काम क्या करना है, यहाँ पे जो आपको लिख रहा होगा लर्न मोर पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इधर सारा आपका काम जो है वो इधर है। इसके बाद आपने आपको यही इधर दिखाई दे रहा होगा फिल आउट दिस फॉर्म टू रिक्वेस्ट अ नेम चेंज एंड कन्फर्म यूर नेम, इस पर क्लिक करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो ये ट्रिक को बार बार अपनी आईडी पर यूज़ करते हैं, कि एक दफ़ा ट्रिक यूज़ कर ली, फिर कर ली, बार बार नहीं करना भाइयों। सिर्फ आपने इसी ट्रिक को सिर्फ और सिर्फ एक या दो बार ट्रिक ट्राई करना है। बार बार करोगे आपका अकाउंट डिसेबल हो सकता है या फिर सेल पर जा सकता है, जो कि अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है फेसबुक पर। तो अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर, अपने फालतू बातें को छोड़ते हैं, बस मुझे आपको कुछ समझाना था कि बार बार आपने ट्राई नहीं करना है। आपने क्या लिखना है, जो आपने आईडी का नाम रखना है वो इधर रख लेना है, जो आपने निकनेम दिया था वो रखना है, और इधर आपने इसका जो है इधर वो जो निकनेम रखा था उधर आपने दे देना नेम, और इधर जो है आपने छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा एरो, इस पर क्लिक करना है, और स्पेलिंग मिस्टेक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे चूज़ फाइल आपको दिखाई दे रहा है नो फाइल, यहाँ पे आपने क्या करना है क्लिक करना है, और जो आपने यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिया था अपनी आईडी का, वहाँ पे जो स्क्रीनशॉट लिया था ना वो आपने इधर ला के दे देना है, चूज़ फाइल में ला के इधर दे देना है, और इधर सेंड कर देना है। इंशाल्लाह आपका अकाउंट का नाम जो है वो चेंज हो जाएगा, और मैं इस पर प्रूफ का भी ना वीडियो बना दूंगा जब आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाए। थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग फेसबुक, ये पेज ओपन हो जाए जब आपने बैक आना, वरना आप क्या करते हो रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं करना जब तक ये ऑप्शन आपके सामने नहीं आता। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़। इसके प्रूफ के साथ आऊँगा मैं इंशाल्लाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, खुदा हाफिज़।